तो आज का टॉपिक है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, तो अब ये क्या होता है? सही है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है बेसिकली एक क्या है, इज द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज। ये एक सॉफ्टवेयर के पैकेज का नाम है। ठीक है, क्या नाम है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अच्छा, पैकेज पैकेज में कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड है? पैकेज सॉफ्टवेयर इंक्लूड, तो वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। यानी कि ये जो आपके सिलेबस में है, सॉफ्टवेयर तो और भी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट इंफोपाथ, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, इस तरह से ये काफी है। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो यूज होते हैं वो ये तीन है और चौथा ये है। ठीक है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। और ये सारे सॉफ्टवेयर किस पैकेज में शामिल हैं? ओके, चले अब माइक्रोसॉफ्ट क्या है ये तो बता देंगे आप। अली मुर्तजा, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट इज द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी। पढ़ चुके हो जो 4 अप्रैल 1971 में यूएस, सवाल याद है वो वाला? हाँ, तो ये तो वही रट्टा हुआ है, फिर इसका तो पता होना चाहिए। जैसे होंडा एक कंपनी है, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट भी एक कंपनी है, जो कि क्या बनाती है? लकी, सॉफ्टवेयर बनाती है। किसके लिए बनाती है? किसके लिए बनाती है? अरे मैं अपने लिए क्यों बनाएगी, कंप्यूटर यूजर्स के लिए बनाएगी ना, आपके लिए बनाएगी, मेरे लिए बनाएगी, सबके लिए बनाएगी। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ रहे हैं? अली मुर्तजा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या बनाती है? क्या बनाती है? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के यूजर्स के लिए क्या बनाती है? मंजीत, किसके लिए बनाती है? कौन है कंप्यूटर यूजर? जैसे आप लोग हैं, उनके लिए क्या बना रही है? सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? ऑफिस। लकी, अरे भाई, माइक्रोसॉफ्ट एक पैकेज का नाम है, क्या हो गया? अभी तो पढ़ा है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज। ये एक सॉफ्टवेयर का पैकेज का नाम है, जिसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर शामिल हैं। सही है, समझ में आ गई? अब अगर आपसे कोई पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, तो आप कहेंगे इज द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज। तो वो बोलेगा भाई इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर शामिल है, तो आप इन सॉफ्टवेयर का नाम बता देंगे। अब वो पूछेगा व्हाई वी यूज माइक्रोसॉफ्ट को, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एमएस ऑफिस, व्हाई वी यूज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इसका जवाब हम ये देंगे आसान इंग्लिश में, इट इज अ हेल्पफुल सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर एवरी कंप्यूटर रिलेटेड यूजर। ठीक है, इट हेल्प अस टू राइट, टू क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स, वर्कशीट्स, प्रेजेंटेशंस, ईमेल्स एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि ये हेल्प, ये पैकेज तमाम कंप्यूटर से रिलेटेड यूजर के लिए हेल्पफुल है, यानी कि उनको आना चाहिए। और ये हमें हेल्प करता है बनाने में और पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट्स को, वर्कशीट्स पर काम करने में, प्रेजेंटेशंस बनाने में, ईमेल्स वगैरह की मैनेजमेंट करने में, और डेटाबेस के मैनेजमेंट सिस्टम को क्रिएट करने में और एडिट करने में। बात समझ में आ रही है?
ये माइक्रोसॉफ्ट एफिस का काम है। पायल समझ में आ रही बात? ओके, तो अब इसके अंदर हम कौन सा सॉफ्टवेयर सीखेंगे? ये वाला सीखेंगे, ये वाला सीखेंगे, ये वाला सीखेंगे, कोई भी सीख सकते हैं, पर हम स्टार्ट करेंगे वर्ड से। तो अब सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू क्रिएट एंड एडिट डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक लेटर, एप्लीकेशन, सीवी, जो नोट्स, थीसिस, एग्जाम पेपर और प्लानर्स, सर्टिफिकेट्स एंड सो ऑन। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा टूल है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें लेटर, एप्लीकेशन, थीसिस, नोट्स, एग्जाम पेपर, प्लानर, सर्टिफिकेट सब कुछ डिजाइन करने की, क्रिएट करने के लिए हमें अलाउ करता है। अब आपसे कोई पूछे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है, तो आप कहेंगे नहीं, मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है। हाँ, आप जब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस सीख चुके हैं, तो आपसे कहते हैं आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है, तो आप कहेंगे यस आई नो अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो पूछे भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप क्या क्या करते हैं, तो आप कहेंगे मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाता हूँ, एक्सेल मुझे आता है, पावर पॉइंट मुझे आता है, एक्सेस मुझे आता है। अच्छा ये बताइए कि वर्ड में हम क्या काम करते हैं। हम वर्ड में लेटर, सीवी, एप्लीकेशन, सीवी, थीसिस, नोट्स, एग्जाम पेपर, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। और पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस सॉफ्टवेयर है ये। नोट्स की एडवांस फॉर्म है। नोट्स हम बुक में देख के बना रहे होते हैं, थीसिस में हम कोई रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च को डॉक्यूमेंट करते हैं, तो वो थीसिस बन जाती है। रिसर्च पेपर को थीसिस कहते हैं। ये बात अगर आपके भेजे में उतर गई ये सही तरीके से, हालांकि ये बचपन से तुम पढ़ते हुए आ रहे हो, अगर ये अच्छी तरह समझ में आ गई तो हम आगे चलें। सही हो गया, माइक्रोसॉफ्ट समझ में आ गया, ऑफिस समझ में आ गया, पैकेज समझ में आ गया, सॉफ्टवेयर कौन कौन से शामिल है समझ में आ गया, हम कौन सा सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं वो समझ में आ गया। क्लियर? चलें अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम कैसे लॉन्च करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लॉन्च करने से पहले हम ये चेक कर लें कि क्या हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है या नहीं। ठीक है,